दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या होती है रे ट्रेसिंग और क्या GTX वाली सीरीज जो एनवीडिया की उसमें रे ट्रेसिंग अनेबल कर देगा एनवीडिया। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में एक एक चीज। दोस्तों अगर आपके पास Nvidia की 10 सीरीज वाली ग्राफिक कार्ड है GTX 1066 GB वाली, तो आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। यहाँ पर Nvidia ने अभी अभी एक इवेंट था उनका, उसमें ये बोला है कि वो रे ट्रेसिंग अनेबल कर देंगे, यानी कि एक अप्रैल में एक ड्राइवर्स अपडेट आने वाला है जिसमें वो रे ट्रेसिंग अनेबल कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट से कुछ उनका चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। मैं आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ डिटेल में आप पढ़ लेना। अभी यहाँ पे इस वीडियो में एक्चुअली मैं बताने वाला हूँ कि रे ट्रेसिंग क्या होती है। बट अगर आपके पास रे ट्रेसिंग नॉर्मली RTX वाली सीरीज, जो नई सीरीज है Nvidia की, उसी में आने वाला आती है, उसी में ये फीचर आपको रे ट्रेसिंग का मिलता है। बट अभी अभी यहाँ पे जो है Nvidia ने ऐसा अनाउंस किया है कि रे ट्रेसिंग आपको GTX सीरीज की जो 1066 GB वाला वेरियंट है उससे ऊपर जितने भी वेरियंट है, यानी कि 1070 Ti भी है, 1080 है, इन सब में भी आपको रे ट्रेसिंग अनेबल हो जाएगी। बट उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ऐसी कोई एप्लीकेशन या फिर यहाँ पर मैं बात करूँ, कोई ऐसा गेम नहीं है जिसमें हम रे ट्रेसिंग का यूज़ कर सकें। तो रे ट्रेसिंग का अभी तक इतना कोई गेम वगैरह ऐसा कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं भी शायद प्रोडक्शन में हो, चल रहा हो काम उन पर, बट अभी तक ऐसा कोई मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है। तो ये तो हो गई बात अपडेट्स की, अब बात करते हैं रे ट्रेसिंग की। अगर मान लो आपके पास GTX 1066 GB वाला वेरियंट है, ग्राफिक कार्ड है, और रे ट्रेसिंग अनेबल हो भी गई, तो आपको क्या पता है कि ये रे ट्रेसिंग होती क्या है, किस काम में आती है, यानी कि रे ट्रेसिंग से हम क्या कर सकते हैं? तो इसी को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। रे ट्रेसिंग को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, तो ये एक तरह की ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके गेम्स को, यानी कि जो आप रियल टाइम गेम खेल रहे हैं उसको और रियल बनाती है। यानी कि अभी आपने देखा होगा एपेक्स लेजेंड जो है उसके ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं, GTA 5 को देख लो, इनके ग्राफिक इतने अच्छे भी नहीं है कि आपको एकदम रियल लगे। बट जब रे ट्रेसिंग और भी एक दो टेक्नोलॉजी और है जो कि Nvidia ने यहाँ पे लेके आया, बट स्पेसिफिकली इस वीडियो में रे ट्रेसिंग की बात करेंगे, और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। रे ट्रेसिंग की हम बात कर रहे हैं, तो रे ट्रेसिंग यहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजी जो जो भी हम देख रहे हैं गेम में, जो आपके सामने विजुअल आ रहे हैं, वो एकदम रियल लगे, ऐसा लगे आपको कि किसी कैमरे में इनको रिकॉर्ड किया है, 4K कैमरे में रिकॉर्ड किया है, उन जो फ़ोटो हैं वो रियल में थे, ऐसा सीन था रियल में, उसको रिकॉर्ड किया और वो हमारे सामने प्ले हो रहा है। एग्जैक्टली रे ट्रेसिंग का मतलब ये होता है कि जो रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, और शेडो, ये तीनों को अच्छे से दिखाना सामने वाले को, जो देख रहा है व्यूअर है उसको दिखाना अच्छे से, उसको कैलकुलेट करके सब कुछ, उसकी कैलकुलेशन गणित वगैरह लगा के उसको अच्छे से दिखाना है, ताकि सामने वाला जो देख रहा है उसको और जो गेम खेल रहा है अच्छे से उसको एकदम रियलिटी का एहसास हो, वो होती है रे ट्रेसिंग। अब अभी तक तो ऐसा कोई गेम नहीं बना जिसमें आपको इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हो किसी गेम ने, बट हाँ ये चल रहा है, प्रोडक्शन में है, बहुत सारे गेम ऐसे बन रहे होंगे, बट वो उनको टाइम भी लगता है, ये टेक्नोलॉजी भी काफ़ी टाइम में आई है, इसको भी जनरली हम बात करें यहाँ पर, तो इसको क्रिएट करने में बनाने में काफ़ी टाइम लगा है। बट जब ये इसके गेम आ जाएंगे मार्केट में, तब आपको पता चलेगा इसकी रियली में कि क्या होता है। अब मेरे पास है GTX 1060 इस लैपटॉप में है, 6 GB वाला वेरियंट। अब जैसे रे ट्रेसिंग इसमें अनेबल हो जाती है, मेरे पास एक अपडेट आ जाता है, तो मैं आपको जरूर से उस वीडियो में भी बताऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या डिफरेंट आता है। नॉर्मली हम गेम खेलते हैं एपेक्स लेजेंड, GTA 5 वगैरह, तो उसमें क्या डिफरेंट आता है, वो मैं रे ट्रेसिंग जो अनेबल हो जाएगी उसके बाद उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको जरूर से बता दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के टेक वीडियोज़ मैं डेली आपके लिए लेके आता रहता हूँ, और साथ ही साथ कुछ ऐसे अपडेट्स होती है वो भी मैं आपको देते रहता हूँ इसी चैनल पे। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।